subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक केसी जी में आप लोग के स्वागत है। यह गाड़ी क्विड और क्विड के अंदर लगा CNG किट, और कैसी लगी है, क्या लगी है, उसका परफॉर्मेंस क्या। फ्रॉम केसी जी, लोकेशन खोखा, सरोजी नगर, रिंग रोड मार्केट। अब इसको अंदर बताते हैं, हमने लगाई किट, इसके अंदर लगे हुए हो गए दो महीने के बाद हम ले रहे कस्टमर से फीडबैक, कैसे क्या रहेगा, क्या रिस्पॉन्स रहेगा, उसके बारे में आपको बताऊँगा वीडियो के माध्यम से। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन बे पे। खोलो जी, ये गाड़ी का हम करते हैं बोनट ओपन, और इसके एक एक पार्ट्स में आपको बता दूं कौन कौन से पार्ट्स है। ये फिलिंग बाल, फिलिंग बाल का बेसिकली काम हो गया इनकी गैस गुली निकाल, गैस भरने के लिए सेफ्टी स्विच हो गया, ऑफ एंड क्लोज का ऑप्शन नहीं रहा, रेड्यूसर नीचे डबल शेयर का रेड्यूसर है, बहुत अच्छा रेड्यूसर है, और मीटर है भाई, मीटर के लिए प्रॉब्लम के लिए आया था भाई, मीटर के लिए ये डॉन नहीं आ रही, तो भाई मैं कहूँगा भाई जब तक गाड़ी गैस नहीं स्टार्ट होगी इसको ऑफ नहीं करेंगे तब तक डॉन नीचे नहीं आएगा। और आप देख सकते हैं किट लगी है सातवें महीने में, आप देख सकते हैं सातवें महीने इनकी RC का प्रोसेस बहुत जल्दी हो गया था, और हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो को बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये है क्विड, और क्विड के अंदर हम CKP लगा के देते हैं। ये इंजेक्टर काम क्या होता है, हाई प्रेशर गैस को लो प्रेशर मैनिफोल्ड के बेसिस में जाने के लिए, हाई प्रेशर इधर से गैस आएगी। नीचे मैप सेंसर लगा हुआ है, हर एक वायरिंग की क्लिप के साथ में काम है। और ये है CKP 2-pin एडवांसर, वो हम लगा के देते फ्री ऑफ कॉस्ट में, 3 सिलेंडर गाड़ी के खासकर। और ये है ACM बॉक्स 48-pin का EX का, बहुत अच्छे ACM में कोई इशू वाली बात नहीं, हर चीज़ एक साथ के मूवमेंट के साथ में काम हुआ है। हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ और आगे बताता रहूँगा। इसके अंदर हम लगाए 12 किलो सिलेंडर। अब 12 किलो सिलेंडर कैसे एडजस्टमेंट किया तो हमें पता है। ये है इन पाइप और ये है आउट पाइप, ये इन पाइप है, ये आउट पाइप है, सारा चीज़ एक चीज़ के हिसाब से काम हुआ है। अब हम चलते हैं गाड़ी की डिग्गी बे में। ये डिग्गी है, और डिग्गी के अंदर लगाया हमने 12 किलो सिलेंडर, देख सकते हैं 12 किलो सिलेंडर कैसे एडजस्टमेंट किया है। और इसके अंदर हमने दूसरी पाइप लगाया था, इसका नोजल लीक हो गया था, इसके कारण हमने इनको निकाल के साइड में कर दिया। ये आप देख सकते हैं 12 किलो सिलेंडर कैसे एडजस्टमेंट किया हमने, हर चीज़ और स्टेपनी अंदर से निकलेगी आपकी। और इसमें 11 किलो लगाते एकदम बेस्ट फिटिंग आती, पता नहीं चलता इसमें फिटिंग कैसी की आई है। और मैं आपको बता दूँ हमारे कस्टमर क्या एक्सपीरियंस होगा वो बताते हैं, और उसके पहले स्विच के बारे में बता दें, इनका स्विच की इंडिकेशन कैसी है, इसकी स्विच की इंडिकेशन कैसी है। ये बिलिंग कर रही है तो समझ लो आपकी गाड़ी पेट्रोल पे है, और बिलिंग करना बंद कर देगी तो आपकी गाड़ी गैस पे आ चुकी है। लोग कहते हैं क्विड के अंदर इंजन डाउन हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात ये काम करने पे डिपेंड करता है, कोई नॉकिंग कोई जॉकिंग नहीं है गाड़ी के अंदर, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। AC वर्किंग है, ये नहीं आपको भाई धक्का बेल में लगा दिया किसी को भी, AC वर्किंग आप देख सकते हैं। मैं क्विड में एक चीज़ बताता हूँ, ये पेट्रोल का सुई नीचे डाउन आता है जब गैस पे चलती है, तो इसमें पेट्रोल की सुई नीचे डाउन आती है, इसमें ऐसा नहीं लगेगा वही पेट्रोल आपका पेट्रोल नहीं है। तो हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और आगे करता रहूँगा। अब हमारे कस्टमर क्या एक्सपीरियंस होगा वो कस्टमर खुद अपने मुँह जबानी बताएंगे। कैसा लगा सर 2 महीने में आप हमारे पे दुकान पर, कितनी बार और कितने बार पेपर के लिए धक्के खाए? भाई एक बार भी नहीं आया, सिर्फ एक बार पेपर देने आया हूँ जी, और एक बार के अंदर ही मेरा मुश्किल से 7 दिन के अंदर RC बन के कम्प्लीट मिल गई। अच्छा, 7 दिन में RC आपकी बन के कम्प्लीट हो गई, ये तो नहीं आपको चक्कर कटवा रहे जी आवान है? हाँ, मैं एडवांस के लिए चक्कर कट गई, एडवांस स्टॉक में नहीं था हमारे पास। नहीं नहीं, वो तो एक अलग प्रोसेस था जी, जी 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 जी, अवेलेबल हुआ आपने मुझे बुलाया और जी दिन आधे घंटे के अंदर लगा के भी दे जी जी जी। तो ऐसा तो नहीं कोई हमारे लड़कों के बिहेवियर में कोई चेंजिंग? लड़के तो आपसे बहुत सही हैं, सारे बात कर रहे हैं हर चीज़ में जी जी। थैंक यू। अच्छा, आपने 3 महीने में एक्सपेंस किया, कितने पैसे बचाएंगे? सर बहुत पैसे बचा लिए मेरे, ये 30+ एवरेज दे रही है, 30+ क्विड के अंदर। लोग कहते थे क्विड के अंदर क्या कहते हैं, आपकी गाड़ी इंजन बैठ जाएगा, वो बैठ जाएगा, वो बैठ जाएगा। सर मैं जिस दिन लगवाने आया था मुझे आपकी दुकान पे ये बताया गया था कि मिसिंग प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। अच्छा, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक मिसिंग क्या होती है मैंने तो महसूस ही नहीं किया। अच्छा, क्या पेट्रोल है और क्या? अच्छा, मतलब 30+ एवरेज दे रही है, मतलब डेली की आपकी रनिंग कितनी होगी सर? मेरी डेली की रनिंग है 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर रनिंग है, तो मतलब एक बार गैस भराते हो तो हफ्ता भर चलते हो आपको, संडे टू संडे। ओके सर, ओके, हमारी वीडियो को करते ही समाप्त, और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना पड़े। थैंक यू। लोकेशन है सरोजी नगर, रिंग रोड मार्केट, ये लोकेशन है खोखा। बाकी आप हमारी वीडियो बनाएंगे स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखिए। थैंक यू।